हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास टोयोटा इनोवा। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने इग्निशन ऑन किया है और एक बार सेल मार के देखेंगे। तो यहाँ पे क्रैंकिंग हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देख सकते हो, चाबी बंद करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने चाबी बाहर निकाला है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी लाइट है अभी ब्लिंक करना चाहिए। रेड लाइट आती है यहाँ पे जो कि ब्लिंक नहीं करना चाहिए, ब्लिंक नहीं कर रही अभी। और जब ये चाबी लगाता हो तो यहाँ पे बंद होती है, लेकिन यहाँ पे चाबी मैंने बाहर निकाला है तो भी लाइट नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इमोबिलाइजर का इशू आता है, नहीं तो एंटीना का, नहीं तो वायरिंग का। एंटीना का तो प्रॉब्लम आता नहीं ज़्यादा, वायरिंग खाता है, नहीं तो फिर इमोबिलाइजर का प्रॉब्लम आता है। तो एक बार वापस ही दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन किया है और क्रैंकिंग करेंगे गाड़ी को, स्टार्ट हुई बंद पड़ गई। और वापस से दिखाऊंगा, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। यहाँ पे लाइट जब तक नहीं आएगी जब तक चालू नहीं होगी गाड़ी हमारी। तो एक बार गाड़ी को स्कैनिंग करेंगे। स्कैन कर, सोलह पिन, इनोवा 2007। ओके, यहाँ पे ईसीएम में चेक करेंगे। फॉल्ट कोड, यहाँ पे फॉल्ट कोड आ रहा है स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम, स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम। इसको एक बार क्लियर कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो फॉल्ट कोड अभी बन रहा है इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम का, तो एक बार इसका डाटा चेक करेंगे। डाटा स्ट्रीम, यहाँ पे एंटीना कॉइल का और इमोबिलाइजर का, यहाँ पे एंटीना कॉइल स्टेटस नॉर्मल दिखा रहा है और इमोबिलाइजर ईसीयू कमांड 50 BPS में है और इमोबिलाइजर अनसेट है। इसका मतलब इमोबिलाइजर का प्रॉब्लम है हमारा। जो मुझे फॉल्ट मिला है वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे है हमारा इमोबिलाइजर, तो इसको मैं खोल देता हूँ और आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो मूंगी लोग आए कितना, इधर दिखाओ। देख सकते हो मूंगी पूरा घुसा हुआ है और यहाँ पे डैमेज भी हुआ है हमारा इमोबिलाइजर। यहाँ पे यहाँ के साइड में तो इमोबिलाइजर उड़ गया है पूरा, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। इमोबिलाइजर ख़राब हुआ है तो इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, और रिप्लेस करके देखेंगे हमारा गाड़ी चालू हो जाएगी। मैंने यहाँ पे दूसरा इमोबिलाइजर लाया हुआ है K2 का, और ये हमारा जूना वाला है जिसमें प्रॉब्लम था, और ये मैंने दूसरा लाया हुआ है। और अभी इसको मैं लगा के देखता हूँ कि हमारा जो लाइट नहीं आ रहा था लाइट आता है क्या। तो अब इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। वहाँ पे मैंने फिटिंग कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो सिक्योरिटी की लाइट आ गई है अभी। और अभी एक बार चाबी लगाएंगे, देख के लाइट बंद होती है क्या। तो अभी चाबी को अंदर डालता हूँ मैं और देख सकते हो यहाँ पे लाइट बंद हो गई है। और अभी इंजन स्टार्ट करेंगे, इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन किया मैंने,
और अभी सेल्फ मारता हूँ और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं इंजन हमारा स्टार्ट है। वापस से आपको दिखाऊंगा। चाबी बंद किया मैंने, इग्निशन ऑन, लाइट नहीं आ रही है और अभी सेल मारूंगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई फाइनली, देख सकते हो। और चाबी निकालने के बाद सिक्योरिटी की लाइट भी प्रॉपर आ रही है, इसको फिटिंग करके ले लेता हूँ सब अच्छे से और उसके बाद फाइनल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसका लोकेशन, अभी डैशबोर्ड हम लोगों ने फिटिंग किया है और अभी सब फाइनल फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं फाइनल, और स्कैनर में उसका डाटा भी दिखाएंगे आपको फिर से कि जो अनसेट का आ रहा था लिख के वो सेट हुआ है कि नहीं इमोबिलाइजर। तो अभी मैं सब फिटिंग कर लेता हूँ फिर आपको उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली सब फिटिंग कर दिया है और अभी एक बार आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। यहाँ पे इग्निशन ऑन किया मैंने, वापस से बंद करता हूँ और चाबी को बाहर निकालूंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी की लाइट आ रही है और वीसे चाबी अंदर डालूंगा, बंद होनी चाहिए। इग्निशन को ऑन करता हूँ, यहाँ पे लाइट बंद हो गई है और अभी सेल्फ मारेंगे। और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है फाइनली, और जो हमारा फॉल्ट कोड था वो भी देखेंगे साथ में, उसको भी क्लियर करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में रहेगा। सोलह पिन नौ 2007। यहाँ पे इससे में देखेंगे फॉल्ट कोड आ रहा था पहले, तो अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। गाड़ी को इंजन ऑफ करता हूँ, इग्निशन को ऑन किया है और इसको क्लियर कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे नो डीटीसी, पहले इमोबिलाइजर सिस्टम का फॉल्ट कोड का आ रहा था, क्लियर करने के बाद भी अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं है। और अभी इसका डाटा चेक कर लेंगे एक बार, एंटीना कॉइल, इमोबिलाइजर्स, यहाँ पे इमोबिलाइजर में मेरा शेड है, एंटीना कॉइल नॉर्मल और इंजन हमारा स्टार्ट है, देख सकते हो। डाटा भी हमारा ओके हो गया और इमोबिलाइजर में कुछ फॉल्ट कोड आ रहा है क्या वो भी देखेंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। यहाँ पे है ही नहीं, कुछ फॉल्ट ही नहीं है पहले से, नो डीटीसी है। गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।